कैसे हैं आप? पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मीड़े की सब्जी, जिसे हम कट्टी की सब्जी भी बोलते हैं। एकदम आसान और तरीके से बनने वाली, आपको बिल्कुल सरल तरीके से ये मीड़े की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 2 कटोरी बेसन लिया था, जिसे आप 500 ग्राम भी रख सकते हैं। और इसमें आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, आधा चम्मच इसमें हमने नमक ऐड किया था, और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल हमने ऐड किया था। और इसको आधे गिलास पानी से हमने एक अच्छा सा डो, बहुत ही सॉफ्ट डो इसमें मैंने बना के रख लिया है। अब मैं इसको इसके 3 पीस में से काट रही हूँ और इसको इसकी पूरी तैयार कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे 3 पीस में काट रही हूँ और इसकी मैं पूरी तैयार कर रही हूँ। देखिएगा मैं कैसे आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी, एकदम नए तरीके से कटी की सब्जी। देखिए हाँ, देखिए फ्रेंड, हमने एक इसकी पूरी तैयार कर ली है। अब इसको बीच से काट देते हैं और इसमें पतली सी एक स्टिक लेके इसको हम रोल बना लेते हैं। देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हम इसे स्टिक को पका कर और इसके रोल बनाएंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से मैं आपको ये सारे रोल बना के दिखाऊंगी, देखिएगा। जब मैंने इस तरीके से सारे रोल बना के तैयार कर दिए, अब हम इसको बॉईल करेंगे। देखिएगा कितना पानी रखना है कढ़ाई में, और मैं कढ़ाई रखती हूँ और इसको बॉईल करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें पानी डाल दिया है। अब ये पानी खौल जाएगा और ढंग से बॉईल हो जाएगा, फिर हम इसमें ये सारे रोल किए हुए बेसन के गट्टे इसमें ऐड कर देंगे। देखिएगा मैं कैसे करती हूँ। हमारा बॉईल हो चुका है और अब हम इसमें सारे ये रोल किए हुए बेसन के डाल देते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम 20 मिनट तक में बॉईल करेंगे खूब अच्छे तरीके से। जब ये बॉईल हो जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे हम कट के बनाना है। जब तक बॉईल हो रहे हैं तब तक हम मसाला तैयार कर रहे हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमें 2 प्याज लिए हुए और कुछ लहसुन की पत्तियाँ, अब इन्हें हम पीस लेते हैं। ये फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से ये बॉयल हो रहे हैं। अब मैं इसको देख रही हूँ कि ये इस तरह से बॉयल होने चाहिए। ये देखते हैं इस तरीके से इसको बॉयल कर लेते हैं। कम से कम इसमें 20 मिनट लग जाता है बॉयल करने में। जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाते हैं मैं इनको निकाल लेती हूँ और फ्राई करती हूँ। तो हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में तेल डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे 2 इंच और 1/4 स्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। इसमें ये कटी हुई ये रोल किए गट्टे की जो हम इसमें 1 स्पून फ्राई करेंगे, फिर हम बताएंगे इसको बनाना कैसे, अच्छी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाते हैं। अभी हम इसको सिर्फ और सिर्फ फ्राई कर रहे हैं। आगे देखिए मैं कैसे आपको बनाना सिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने निकाल के रख लिए हैं एक प्लेट में। अब हम इसमें तेल डालिए उसी कढ़ाई में, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जीरा ऐड करते हैं आधा चम्मच, और जो प्याज और लहसुन मैंने पीस के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे।
प्याज लहसुन को भून लेते हैं।